हेलो एंड वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। आज हम जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं, ये गेम बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ रह चुकी है और इसका अभी ही हाल फिलहाल में ही मीन्स लास्ट ईयर ही इसका सीज़न वन भी आया था। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिसोड वेब सीरीज़। बट इससे पहले इसका गेम 2007 से ही चला आ रहा है। बहुत ही पॉपुलर गेम सीरीज़ रह चुकी है, बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी रह चुकी है गेम की। तो आज मैं द विचर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो द विचर को फ्री में कैसे क्लेम करना है, उसके लिए बस आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो वीडियो देखने से पहले बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हमारे कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए लेट्स रोल आउट आवर इंट्रो। पहले ही गेम का नाम बता दिया कि द गेम का नाम है द विचर, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई थी। द विचर का फर्स्ट पार्ट है ये। अराउंड 3 पार्ट्स रिलीज़ हो चुके हैं इस गेम के। तो फर्स्ट पार्ट का इनहेंस एडिशन आपको फ्री में कैसे क्लेम करना है, मैं आपको इसके वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गेम कौन सी है, अगर आपको नया भी नहीं पता चला हो तो। आप द विचर सिंपली सर्च कर ले। द विचर ये 2019 की वेब सीरीज आ गई है। मैं आपको गेम दिखा देता हूँ। यस, द विचर गेम आ चुकी है। और द विचर ये जो वीडियो गेम सीरीज़, अगर अभी पता चल गया होगा, आपने वेब सीरीज़ का फोटो देखा होगा, वहाँ से भी आपको पता चल चुका होगा, बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ रही थी लास्ट ईयर ये। और इसको क्लेम कैसे करना है फर्स्ट को, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गैलेक्सी लॉन्चर सर्च कर लेना है। गैलेक्सी लॉन्चर सर्च करते हैं। गैलेक्सी लॉन्चर आप जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जीओजी गैलेक्सी लॉन्चर सर्च कर लेना है। जीओजी गैलेक्सी 2.0 सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक जो आएगा उस पर आपको चले जाना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे और डाउनलोड पे क्लिक करके सेव फाइल। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मुझे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत है नहीं। बट छोटा ही है, आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको एक और इंस्टॉलेशन मांगेगा, जो कि अराउंड 253 MB का है। वो आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। और जब तक वो इंस्टॉलेशन होता है तब तक आप यहाँ पे gog.com पे जा सकते हैं, यहीं से सेम वेबसाइट से। और आप वहाँ पे जाके दूसरे गेम्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अकाउंट जो बनाना पड़ेगा, आप अकाउंट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम चल लेते सीधा जीओजी गैलेक्सी लॉन्चर की तरफ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने जीओजी गैलेक्सी लॉन्चर की तरफ। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, तो बट आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही गेम जो लॉन्चर है उसको 963 KB का डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको अराउंड 253 MB का और डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन करने के साथ साथ आप चाहे तो अपना एपिक गेम स्टोर्स अकाउंट, एक्सबॉक्स अकाउंट और अपना स्टीम अकाउंट, अपना यूप्ले अकाउंट सब इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म की गेम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आप सिर्फ एपिक गेम स्टोर्स अकाउंट को मर्ज किया है और मेरी सारी एपिक गेम स्टोर्स पे जो भी मैंने गेम क्लेम किया है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा रही है। और साथ ही साथ इंस्टॉल्ड गेम लाइब्रेरी टाइप दिखा रहा है, जो बट ये इसमें मैंने क्लेम नहीं की, ये सारी की सारी एपिक गेम स्टोर्स की है। और इन सब की अगर वीडियोस आपने चेक नहीं की होंगी तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को हमारे। तो चलिए बढ़ते हैं। और आप लॉगिन ज़रूर कर लीजिए, आपको लॉगिन कंपलसरी है इस लॉन्चर में, तभी जाके आप ये गेम को फ्री क्लेम कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको बस रिसेंट में चले जाना है। रिसेंट में आपको ये पॉपअप दिख जाएगा। पॉपअप आपको ज़रूर दिखेगा, सब अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो भी दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको ये अपनी गेम पहले से क्लेम कर रखी तो भी आपको ये पॉपअप ज़रूर दिखेगा। तो उसके बाद gog.com का गिव अवे चल रहा है, तो बस यस क्लेम पे हमको क्लिक कर लेना है। द विचर एनहेंस एडिशन विल अपीयर इन योर जीओजी गैलेक्सी लाइब्रेरी, यू विल रिसीव एन ईमेल कॉन्फर्मेशन वंस दिस हैपेंस। तो मेरा गेम ऑलरेडी क्लेम हो चुका, तो चेक कर लेते हैं एक बार जाके ओन्ड गेम्स में। तो ओन्ड गेम्स में यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और
थिंक्स यहाँ पे मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे मेरे एपिक गेम्स के भी गेम्स यहाँ पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि तो ये गेम आई थिंक से क्लेम हो चुकी है बट लोड नहीं हुई। यस द विचर वही है, द विचर इनहेंस एडिशन मेरी क्लेम हो चुकी है। ये गेम अराउंड 9.65 GB की है, 2007 की गेम है, ग्राफिक्स डिसेंट है बट गेम बहुत सही है। गेम अगर आपने इसकी वेब सीरीज़ देखी है तो आपको ये गेम और पसंद आ गई होगी। तो ये गेम को क्लेम करने के लिए जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, आपको बस वो प्रोसीजर सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। GOG गैलेक्सी लॉन्चर सर्च करना है, GOG गैलेक्सी लॉन्चर 2.0 डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें डाउनलोड का एक और डाउनलोड होगा, वो डाउनलोड को कंप्लीट होने देना है, फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद रीसेंट पे आ जाना है, रीसेंट पे आपको पॉपअप दिख जाएगा, पॉपअप में यस क्लेम पे जस्ट क्लिक कर लेना है, और अगर आपको नहीं क्लेम करना तो नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और ये गेम जैसे मैंने बता दी 9.65 GB के आसपास की ये गेम है, तो अगर आप ये खेलना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी क्लेम कर लीजिए। इसमें एंड डेट कोई लिखा हुआ नहीं है बट मे बी ये जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले ये गेम आप क्लेम कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।